यूपी के खेल युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में हैं। उन्होंने अफसरों को प्रदेश के सभी स्टेडियम्स और खेल ग्राउंडों को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। यादव ने 100 दिन का रोड मैप भी सीएम के सामने पेश करने की बात कही है। इन्हीं मुद्दों पर मंत्री गिरीश चंद्र यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शाहिद सिद्दीकी। हमारे साथ मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं जो खेल युवा कल्याण विभाग आपको मिला है। मंत्री जी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। मंत्री जी, खेल युवा कल्याण उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी मतलब खेल की योजनाएं होती हैं, उसको किस तरह से देखते हैं, क्या रोडमैप तैयार है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे इस विभाग को सौंपा है, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि खेल को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। और एक तरह से ये कहा जाए कि जो भी खेल के जितने भी स्टेडियम्स हैं जो बने हुए हैं, उनको भी हम लोग पूरी तरह से जीर्णोद्धार करके और सक्रिय करने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश से प्रतिभाएं निकल कर आएं, और प्रतिभाएं तभी निकल कर आ सकती जब प्रतिस्पर्धा होगी। तो हमारा ये प्रयास है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए कि जो भी हैं, ग्रामीण स्तर पर भी प्रतियोगिता हो। इसीलिए हमारी सरकार ने नवयुवक मंगल दल जो पुराना गठित था, निष्क्रिय हो गया था, उसको सक्रिय करने का हम लोगों को प्रयास चल रहा। उसको सक्रिय करेंगे तो ग्रामीण स्तर पर और फिर विकास स्तर पर, फिर जो है तहसील स्तर पर और फिर जिले स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी और फिर उसमें प्रतिभा निकल कर सामने आएंगी जो प्रदेश स्तर पर कमिश्नरी स्तर पर खेलेंगी। तो इस तरह से उनको पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा और खेल में जो भी आवश्यकताएं होंगी उसको भी पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मंत्री जी, 2017 से पहले खेल के तमाम कार्यक्रम जो है वो बहुत सुचारू रूप से नहीं होते थे। 17 के बाद खेल के कार्यक्रम हुए, ओलंपिक भी हुआ, मगर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ओलंपिक फाइट नहीं हो पाई है। ओलंपिक उसके लिए क्या क्या तैयारी? देखिए, तैयारी आगे हम लोग विभाग की बैठक करेंगे तो उसमें हम लोग तैयारी करेंगे कि 100 दिन में क्या कर सकते हैं, हम 6 महीने के अंदर क्या कर सकते हैं और फिर 1 वर्ष के अंदर क्या करेंगे और 5 वर्षों के अंदर क्या करेंगे। तो अभी हम जब विभाग की बैठकें करेंगे तो उसमें हम इस लोग बातों को तय करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें हम क्रमबद्ध तरीके से खेल को प्रोत्साहित करने के लिए तय करेंगे और उसके अनुसार हम काम करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन का रोड मैप तैयार कराने के लिए कहा है, आज आपका पहला दिन है, आज आपने कुछ स्टडी, कुछ प्लानिंग की अधिकारियों से? अभी हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी बातें चल रही हैं और उस पर हम लोग कैसे उसको सक्रिय कर सकते हैं, कैसे और उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। फाइनल स्टेज आने के बाद हम आपको विस्तार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि खेल को बढ़ाना है और खेल और युवा कल्याण को लेकर तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे और युवाओं के सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ शाहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ।